और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा को कोरोना हो चुका है। मंगलवार को झारखंड में 1264 नए मरीज मिले हैं। वहीं झारखंड बिहार में तेज रफ्तार से कोरोना अपने पैर पसार रहा है। इसी दौरान केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आपको बता दें राज्य में 6844 अभी एक्टिव केस हैं। रांची में 539 संक्रमित मरीज मिले हैं। तो बिहार और झारखंड में तेजी से कोरोना अपने पांव पसार रहा है। संक्रमितों का आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। आपको बता दें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दोनों ने ही बैठक कर गाइडलाइन जारी किया है, लोगों को सचेत रहने की सलाह दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अर्जुन मुंडा भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आपको बता दें झारखंड और बिहार में तेजी से कोरोना अब अपने पांव पसार रहा है। लगातार संक्रमितों का आंकड़ा जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। मंगलवार को झारखंड में 1264 नए मरीज मिले हैं। रांची में 539 संक्रमित मरीज मिले हैं। राज्य में 6844 अभी एक्टिव केस हैं। कोरोना जो है तेजी से अपने पांव पसार रहा है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब चिंतित हैं, वो भी लगातार बैठक कर रहे हैं। सभी राज्यों को उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं कि सख्ती से गाइडलाइन का पालन किया जाए। कोरोना को लेकर लगातार सभी राज्य अपने अपने तरीके से गाइडलाइन जारी कर रहे हैं। उसी कड़ी में झारखंड और बिहार में भी गाइडलाइन जारी हो चुका है। लोगों से अपील की जा रही है कि वो बिना मास्क के अपने घरों से ना निकले, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, किसी भी तरह से इस चेन को ब्रेक करना है। झारखंड बिहार में कोरोना तेजी से अपने पांव पसार रहा है। आपको बता दें केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी अब कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। संक्रमितों का आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। थोड़ी सी सावधानी ही कोरोना से बचाव है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बंगाल दौरे के बाद वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आपको बता दें कि बंगाल में चुनाव है, जिसको लेकर लगातार नेताओं का आना जाना लगा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजीत जुड़ चुके हैं। संजीत, कोरोना लगातार बिहार झारखंड में अपने पांव पसार रहा है। अब केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के कोरोना पॉजिटिव होने की सूचना है। देखिए, ये लगातार जो अभी बंगाल चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा बंगाल दौरे पर थे और वहां पर लगातार जनसभाओं को संबोधित कर रहे थे, उस दौरान उन्हें हो सकता है कहीं कोविड का संक्रमण हुआ हो। जांच कराने के बाद उन्हें कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद से उनको अभी क्वारंटीन कर दिया गया है। उनकी हालत कैसी है? अभी उनकी हालत ठीक है, बस अभी इलाज चल रहा है, क्वारंटीन किया गया है। उसके बाद देखा जाएगा अभी क्या होगा उनका। डॉक्टर लोग जांच कर रहे हैं, जांच के बाद ही कुछ पता चल पाएगा कि क्या होना है। जिस तरह से झारखंड में कोरोना का केस बढ़ रहा है, उसमें ये कहना अभी तय नहीं हो पाया है कि कितना अभी लोगों को कोरोना है। लगातार कोरोना जो जांच हो रहा है उसमें लोग कोरोना पॉजिटिव बहुत भारी संख्या में, आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। संजीत, लोगों को अब सचेत होने की जरूरत है। जी, बहुत कल सीएम हेमंत सोरेन ने भी बैठक की थी, जिसके बाद से रात 8 बजे के बाद से बाजारों को बंद कर दिया गया है। झारखंड में अभी लगभग 7000 लोग एक्टिव केस है, जो काफी चिंता बढ़ाने वाला है। झारखंड और रांची में तो करीब 3000 लोग कोरोना एक्टिव केस है, और ये संक्रमण जो होली और जो अभी त्योहारों का दौर चल रहा है, इसमें लोग एक दूसरे से संक्रमण में है, जिसके वजह से ये लोग कोरोना का भी प्रसार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बता दें कि बिहार झारखंड में तेजी से कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। अब अर्जुन मुंडा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आपको बता दें कि बंगाल दौरे के बाद वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बंगाल चुनाव को लेकर लगातार नेताओं का आना जाना वहां से जारी है।